नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अध्यक्ष आरएल लेडी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज व पूर्व सांसद राज्यसभा लोकसभा एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देश अनुसार मिल्कीपुर सुरक्षित विधानसभा 273 बहुजन समाज पार्टी रामगोपाल कोरी को प्रभारी से प्रत्याशी अयोध्या जिले के अंतर्गत सुरक्षित विधानसभा 273 मिल्कीपुर दिनांक 22 सितंबर 2024 को स्थान भरतपुर शरियावा मिल्कीपुर में बहुजन समाज पार्टी की समस्त मिल्कीपुर यूनिटी की तरफ से एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। यह समाचार से रामदीन रावत की खास रिपोर्ट। और फोन किया कि साहब मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए। बाबूजी की मीटिंग भी लगी हुई थी लेकिन अपना प्यार वाला मुझे देने के लिए वहां से आ गया। तो आप लोग सोच लीजिएगा, आपके अध्यक्षता कर रहे बहुत ही सीनियर मंडल प्रभारी अयोध्या मंडल आजमगढ़ बनारस देवीपाटन बस्ती गोरखपुर पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री धनवीर अशोक सिंह जो आपके इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपके बहुत ही सीनियर अभी आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने का काम किया। समय मिलता तो पूरा दिन याद रहा करते, वो आप लोग उठने काम ना करते। इस बहन जी ने बहुत ही बहुत तरीके से समझाने का काम किया। ये जो आवाज निकलती है ऐसे आवाज नहीं निकलती है। इस मंच पर उपस्थित हैं शमसुद्दीन राय साहब, माननीय श्री शमसुद्दीन राय साहब जो मंडल के प्रभारी अयोध्या लखनऊ मंडल सहारनपुर और कानपुर, आपके बीच में बैठे हैं। आपके इस कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय श्री सालिम अंसारी जी जो मंडल के प्रभारी हैं एवं पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, अभी आप लोगों ने सुना। आप लोगों के बीच में माननीय श्री रवि प्रकाश मौर्य जी जो मंडल के प्रभारी अयोध्या मंडल और झांसी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आपके इस बीच में माननीय श्री दिलीप कुमार विमल जी जो संचालन का कार्य भी कर रहे हैं, मंडल के प्रभारी अयोध्या मंडल है। माननीय श्री सर्वेंद्र अम्बेडकर साहब ये मंडल के प्रभारी कई कई मंडलों के रहे, आज अयोध्या मंडल के प्रभारी हैं। मैं आपके बीच में ही खड़ा हूँ। मैं भी अररिया बहन जी ने अपना भरोसा जताया है, आपके बीच में चुनाव भी लड़ने आया हूँ और संगठन की भी जिम्मेदारी अररिया बहन जी ने दिया है। आपके बीच में मोहम्मद असद साहब, रोहित गौतम साहब, महंता आनंद जी, माननीय श्री गया प्रसाद आनंद कश्यप जी, माननीय अरविंद गौतम जी, माननीय दियालाल त्यागी जी, माननीय श्री कृष्ण कुमार पासी जी, सुनील सावंत, एक अपने बहुत पुराने कार्यकर्ता को जिनको मान्य बहन जी ने 2017 में भी आशीर्वाद देकर के आप इस मिल्कीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए बहन जी ने आशीर्वाद दिया था और इस मिल्कीपुर की महान जनता ने माननीय राम गोपाल जी को आशीर्वाद के रूप में लगभग 47-48 हजार देकर के यहाँ इनको चुनाव लड़ाने का काम किया गया है। आज फिर से मान्या बहन जी ने अपना आशीर्वाद आपके पुराने साथी को जो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर भी हैं और जो सत्ता में चुनाव भी लड़ चुके हैं, पुनः मान्या बहन जी ने इस उपचुनाव में मिल्कीपुर में जो अपना आशीर्वाद प्रभारी और प्रत्याशी बहन जी ने बनाने का काम किया है, भाई रामगोपाल पुरी जी हैं, आप सभी लोग इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जिस तरीके से मान्या बहन जी ने इनको आशीर्वाद दिया है, आप सभी क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है, आप सभी लोग इनको अपना आशीर्वाद दीजिए और आने वाले चुनाव में